कुछ दिनों से आप लोग भी देख रहे होंगे, राष्ट्र साइबर सुरक्षा नीति 2013 चर्चा में बनी हुई है। जहां भी देखिए आप लोग, सोशल मीडिया पर देखिए या फिर कहीं न्यूज पेपरों में, हर जगह इस समय चर्चा चल रही है साइबर सुरक्षा नीति 2013 की। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर है क्या, क्यों चर्चा में है अभी, इसके प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, और नई साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता क्यों जरूरी है, क्यों महसूस किया जा रहा है कि नई साइबर सुरक्षा नीति आनी चाहिए। साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के जो भी पॉइंट होंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर साइबर सुरक्षा होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है साइबर सुरक्षा का। तो एक साधारण सी शब्द परिभाषा इसकी बताता हूं, क्या है, एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। किससे? इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने का काम किया जाता है। डाटा का मतलब आप कहेंगे क्या होता है? एक तरह से आप सोचिए कि आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, या फिर आप सोचिए कि आपने डेबिट कार्ड का पासवर्ड और डेबिट कार्ड का नंबर अपने मोबाइल में, कहीं इंटरनेट पर बैंकिंग है तो आपने वहां सेव कर रखा है, और ये आप सोचिए कि अगर ये आपका लीक हो जाए, किसी और के पास पहुंच जाए, आपकी प्राइवेट चैटिंग है वो भी किसी के पास लीक हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि क्या आप पर गुजर सकती है। और इसीलिए तो आप देखते हैं कि आप अपने फोन में लॉक लगा के रखते हैं कि आपका प्राइवेट जो भी है वो सेफ बने रहे, समझ रहे? जो भी जानकारी आपकी महत्वपूर्ण है वो आराम से सुरक्षित बनी रहे। तो इसी को बचाने की बात की जा रही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से साइबर सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि आप देखते हैं चीन आपका कभी हाईवर, अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा है साइबर सुरक्षा पर किस तरह से खतरा हुआ है, हमला हुआ, साइबर हमला। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए बचाने की बात की जा रही। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत में लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन इस दौरान हमलों में 200% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई। कई बार सरकारी एजेंसियों की वेबसाइट हैक करने की कोशिश भी की गई है। जानकारों का मानना है कि साइबर हमलों का सामना करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत भी शामिल है। आपका सूचना एवं संचार तकनीकी प्रणालियों की फिशिंग, मैपिंग, स्कैनिंग के मामलों में लगभग 3 गुना वृद्धि देखी गई, विशेषकर महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना में। आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद से बहुत बुरी तरह से हमारे कई देशों पर साइबर हमला देखने को मिले हैं, और याद रखिए अपनी सुरक्षा, कोरोना से भी अपनी सुरक्षा बनाए रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, और जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हम लोगों को अपनी सुरक्षा करनी है। और आपकी वैक्सीन की क्या प्रक्रिया रहती है, कितना टाइम लगता है, कैसे बनती है, अभी कल ही की क्लास में हम लोगों ने बात की थी, तो वहां जाकर आप लोग देख लेंगे, आपको भी पता चल जाएगा, एक अंदाजा हो जाएगा कि अभी कितना समय लगेगा आने में से। मौजूदा परिदृश्य में देखा जाए तो साइबर सुरक्षा नीति 2013 विफल होती नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई साइबर सुरक्षा नीति 2020 लाने की घोषणा की हुई है। विगत समय में 10 करोड़ भारतीयों को ईमेल और 24 करोड़ लोगों के मोबाइल पर थ्रेट मैसेज भेजे गए हैं। हैकर्स का ज्यादा इन फर्जी संदेशों के जरिए कंप्यूटर और मोबाइल में सुरक्षित डेटा को क्षति पहुंचाना और नेट बैंकिंग में सेंधमारी करने का होता है। एक बात आप लोग याद रखिए कि आप जीमेल कभी खोलते हैं तो आपने देखा होगा कई तरह के ऐसे एसएमएस पड़े रहते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही हम जानते हैं उसे, सामने वाले को, फिर भी एसएमएस आते रहते हैं। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपके जो भी फोन होगा या लैपटॉप होगा या फिर डेस्कटॉप होगा, जो भी होगा, उसमें वायरस प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद आपके डाटा को या तो क्षति पहुंचाएगा या फिर आपके डाटा को चुरा लेगा और फिर आपसे पैसे की मांग करने लगेंगे या फिर जो भी हो चलने लगता है इस तरह से। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार भारतीयों के ईमेल व मोबाइल नंबर हैकर्स ने चीन के विभिन्न ऐप के माध्यम से जुटाए हैं। गूगल ने साइबर अटैक की जानकारी 10 जून को जारी रिपोर्ट में दी थी।
इसमें चीन का नाम लिए बिना बताया कि विदेशी थ्रेट मैसेज भारत में भेजे गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे उनके पास आपका मोबाइल नंबर चला जाता है या फिर जीमेल चली जाती है, आप तो किसी को देते नहीं है। तो आपने देखा होगा कि आप कई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसमें आपका नाम पूछते हैं, आपका जीमेल पूछते हैं और आपका मोबाइल नंबर पूछ लेते हैं। ये तीनों पूछ लेंगे तो आपका जानकारी एक पूरी तरह से उनके पास पहुंच चुकी है। अब वो किसी दूसरी कंपनी को या फिर दूसरे हैकर को बेचते रहते हैं। इस तरह से आपका डाटा होता है उनके पास पहुंचता रहता है जीमेल पर। आप सोचिए कि आपका जीमेल कैसे पहुंच जाता है दूसरे के पास, आप तो देते नहीं है किसी को, तो इसी माध्यम से पहुंचता है। टिकटॉक और बाकी एप्स को इसीलिए बैन किया गया सरकार ने, भारत सरकार ने, कि चीन की जो भी कंपनियां थी ये चीनी सरकार के अंडर में आती है, यानी कि चीनी सरकार का इन पर पूरी तरह से दबाव रहता है, तो इसलिए खतरा बना रहता है। हाल ही में साइबर हमले से संबंधित गूगल की रिपोर्ट आने के बाद इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी यानी CERT ने COVID-19 से जुड़े हमले के बारे में अपनी वेबसाइट पर अलर्ट जारी किया था। इसके बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी अलर्ट घोषित किया। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ऑनलाइन तरीके से मोबाइल या फिर ईमेल पर हैकरों के बढ़ते हमले बढ़ गए हैं। इन दिनों आम जनता के मोबाइल और ईमेल पर 20 लाख मैसेज सिर्फ कोरोना की मुफ्त जांच संबंधी आए हैं। यह मैसेज दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहरों में भेजे गए हैं। आप सोचिए कि इसमें कोरोना महामारी के चक्कर में एक और है कि आपको SMS भेजेंगे कोरोना पर बनाकर, कोरोना से संबंधित, तो आप बड़े उत्सुक होंगे कि जानकारी मिल रही है, तो आप तुरंत उस पर क्लिक करेंगे। वो क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में या उसमें वायरस आ जाएगा। तो याद रखिए, हमेशा आपको इस तरह की जानकारी अगर चाहिए तो भारत सरकार के जो वेबसाइट है government.com, इस पर भी जाइए। और बाकी आपकी जैसे MP का मध्यप्रदेश.com, MP.com, government.com, UP, इस तरह से मेन साइटों पर जाइए, जाया करिए अगर जानकारी आपको लेनी है। और हर चीज की, किसी भी आपको UPSC की जानकारी लेना है, UPSC की मेन साइट पर जाइए। MP, BPSC या फिर UPBCS, इन सभी की मेन साइटों पर ही हमेशा देखा करिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपको अपने मोबाइल पर कोई भी आ रहा है इस तरह का, तो आपको क्लिक नहीं करना है, आपको भी अपनी सुरक्षा बनाए रखना है। नई साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? साइबर हैकर्स दुनिया भर में सक्रिय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमलों का संचालन करते हैं। जानकारों का मानना है कि दुनिया भर में साइबर हमलों के लगभग एक तिहाई से अधिक हमले चीन से किए जाते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के पास दुनिया में साइबर विशेषज्ञों के बड़े समूह मौजूद हैं। उत्तर कोरिया, पाकिस्तान जैसे देश भी भारत के खिलाफ साइबर अटैक में सक्रिय हैं। वे इस काम में चीनियों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि साइबर सुरक्षा नीति में बदलाव के साथ सुरक्षा के बेहद जटिल तंत्र बनाए जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे रिश्ते किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, चीन से भी, नेपाल से भी आपके पड़ोसी, और पाकिस्तान से तो हमेशा से चलते ही रहते हैं। तो ये भी हमारा चिंताजनक कारण बन जाता है कि चीन हमारे ऊपर और भी साइबर हमले कर सकता है। क्रांतिकारी तकनीकों के आगमन जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट सक्षम डिवाइस और बिग डेटा जैसी तकनीकों ने साइबर हमलों तंत्र की को और अधिक जटिल बना दिया है। इसलिए समय की मांग है कि नई सुरक्षा तकनीक का विकास किया जाए। जानकारों का मानना है कि चीन उपग्रह चैनलों के माध्यम से इंटरनेट को भेजने की प्रौद्योगिकी विकसित करने की होड़ में लगा हुआ है, जिसे समय रहते हुए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। भारत संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 23वें स्थान पर आता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि 2013 की साइबर सुरक्षा नीति मौजूदा परिस्थितियों में कारगर साबित नहीं हो रही है। IT के हिस्से में ई बैंकिंग, पेपरलेस कार्यालय, सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, साथ ही इन सुविधाओं का दुरुपयोग भी हो रहा है। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी है। एक समय हुआ करता था कि आप लोग देखते थे कि आपको पैसा निकलवाना था तो आप बैंक जाया करते थे, आपको अगर कहीं प्रेजेंट देना होता था तो पेपर, वो
आपने देखा होगा कि एक रजिस्टर टाइप का होता था, उस पर आप लोग सिग्नेचर करते थे, लेकिन आज पूरी तरह से बदल चुका है। नेट बैंकिंग के जरिए आप लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं आराम से। और अब भी आपको, जब भी आप ऑफिस जाते हैं, तो आपको अब सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपके ऐसे ही आ गया कि आप जैसे ही अपना कोई कार्ड बताएंगे, मशीन ले लेगी और उसमें सेव कर लेगी कि आप उपस्थित रहेंगे। डिजिटल संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित हो रही है। हर प्रौद्योगिकी की अपनी उपयोगिता है। इसी तरह साइबर प्रौद्योगिकी में इन दिनों बड़ी तेजी आई है, लेकिन एक वरदान होने के साथ ही यह प्रौद्योगिकी एक बड़ा खतरा भी बनी हुई है। साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है आखिर? साइबर सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि क्योंकि सरकार, मिलिट्री, कॉरपोरेट, फाइनेंशियल और मेडिकल संस्था काफी तरह के डाटा को इकट्ठा करता है। उस डाटा को अपने सिस्टम, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों में रखता है। इस डाटा का कुछ भाग काफी महत्वपूर्ण भी हो सकता है, जिसके चोरी होने से किसी की निजी जिंदगी पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे उस संस्था की सारी मिट्टी पलीद हो सकती है। इससे आप लोग इतने बड़े स्तर पर मत समझिए कि सरकार, मिलिट्री, कॉरपोरेट, फाइनेंशियल या फिर मेडिकल संस्था का। आप अपने स्तर पर समझिए, आप किसी से प्राइवेट चैटिंग चल रही है आपकी, ठीक है? मैंने क्योंकि देखा है, कई न्यूज़पेपरों में पढ़ा है, सोशल मीडिया पर कई आर्टिकल लिखे हुए हैं कि आपका कोई मित्र है, आपकी उससे पर्सनल चैटिंग चल रही है और आपकी वो चैटिंग लीक हो जाती है, उससे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, वायरल। तो आप देखते हैं कि कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है, यानी कि आपकी जिंदगी को खत्म भी कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? या आपकी कोई पिक्स है इस तरह की, आपने अपने दोस्तों को शेयर की हुई है, तो आपने मतलब वो भी अगर वायरल हो जाती है तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आप बड़ी सेफ्टी के साथ जो भी काम किया करिएगा, और वैसे भी आप जो भी काम करते हैं उसके बाद का परिणाम भी सोचकर किया ही करिएगा कि आज हम अगर जो भी काम कर रहे हैं उसका आने वाले दिनों में क्या इफेक्ट रहेगा, यानी कि क्या प्रभाव रहेगा, तो ये भी सोच लिया करिएगा। आप सोचिए कि सरकार कोई योजना बना रही है चीनी सरकार से, यानी कि चाइना से निपटने के लिए, ये वायरल हो जाए, यानी कि डाटा चोरी हो जाए, तो हम असफल हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए जरूरी रहता है। साइबर सुरक्षा की मदद से बहुत से डाटा को सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि यह डाटा किसी और के हाथ नहीं लग सके। जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें अच्छे और प्रभावशाली साइबर सुरक्षा के उत्पादों और सेवाओं की जरूरत पड़ती है। साइबर सुरक्षा की मदद से हम साइबर हमले, डाटा की चोरी और चोरी की धमकी से बच सकते हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में इस बात पर बल दिया गया है कि तकनीकी और उन्नयन के साथ साथ इससे जुड़े नियमों की समयबद्ध समीक्षा हो। साइबर सुरक्षा नीति के एक विशेषज्ञ प्रणाली स्थापित हो। साइबर मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग कायम हो। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा 2013 के तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र गठन किया है। सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की स्थापना की गई, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, 43 से 66, 66 बी, 66 सी, 66 डी, 66 ई, 66 एफ, 67, 67 ए, 67 बी, 70, 72, 72 ए और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित है। इन्हें भी आप लोग याद रखिए। वर्तमान में साइबर सुरक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय इसकी नोडल एजेंसी है, जो देश में साइबर सुरक्षा से जुड़े तमाम मामलों की निगरानी करने के अलावा लोगों की भूमिका और दायित्व को भी स्पष्ट करता है। NSCS के अलावा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी सूचना स्रोतों का डिजाइन तैयार करने, संकलन, विकास, इस्तेमाल एवं संचालन पर निगरानी करता है। यह 24 घंटे देश की संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित रहता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना की शुरुआत भी की है। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? तो भारत इंटरनेट का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है, इसलिए भारत के लिए साइबर सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन जाता है।
पिछले कुछ दशकों में साइबर सुरक्षा की अवधारणा खुद बदलाव के दौर से गुजरी। इसके अपने पैमाने हैं, बाहरी और आंतरिक। साइबर जगत युद्ध का नया मैदान बन गया है। दुनिया भर में साइबर हमलों से काफी वित्तीय हानि और दूसरी दिक्कतें सामने आई हैं। डिजिटल गवर्नेंस और इसके व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए साइबर सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। अब मुझे नहीं लगता है कि आप सोचे कि दो देशों में बड़े बड़े स्तर पर युद्ध हो, आमने सामने मिलिट्री का युद्ध हो। अब छोटे स्तर पर होता रहे ये ठीक रहता है, लेकिन बड़े स्तर पर कभी नहीं होगा। अब आपका साइबर हमले इस तरह के युद्ध हुआ करेंगे, ठीक है? आगे चलकर अंतरिक्ष वार हुआ करेंगे, आपके जो भी उपग्रह हैं उन्हें खत्म कर दे कोई देश, तो आप वैसे भी एक तरह से मुद्दा ही बन जाएंगे। साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समन्वय में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय की भूमिका प्रभावशीलता की समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अधिक सशक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार संस्था होनी चाहिए जो साइबर सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हो। साथ ही नियामकों एवं समन्वयकों के बीच उच्च स्तर का सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। रक्षा प्रणाली, बिजली संबंधी बुनियादी ढांचा, परमाणु संयंत्र, दूर संचार प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कोई बाधा पैदा ना हो जिससे देश की सुरक्षा अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाए। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो साइबर क्षेत्र में अस्थिरता का मतलब है कि आर्थिक अस्थिरता। कोई भी देश आर्थिक अस्थिरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ साइबर नीति ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में अन्य ठोस कदम उठाने की भी जरूरत महसूस की जा रही है। तो ये था आपका साइबर सुरक्षा नीति 2013 के बारे में, और नई जो साइबर सुरक्षा की बात की जा रही है उसके बारे में भी बता चुका हूँ। और याद रखिए, आप भी अपने स्तर पर काम करते रहिए, यानी कि आप भी अपनी सुरक्षा खुद बनाए रखिए, ठीक है? इस तरह से ना तो किसी के लालच में आपको आना है कि कोई आपसे कहे कि इतना पैसा दे रहा हूँ, ये करना है, आपका एटीएम कार्ड बताइए, या फिर और कोई दूसरा दूसरी तरह का डाटा दीजिए, तो कभी मत दीजिए, ठीक है? और वैसे क्रेडिट कार्ड के लिए तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाता है तो आपको ही बैंक के जाना पड़ेगा, बैंक आपके पास कभी नहीं आएगा। लेकिन आप देखते हैं कि मैसेज आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं कि आपका डेबिट कार्ड बंद हो चुका है, अपना डेबिट कार्ड दीजिए, उसका नंबर दीजिए, और उसके बाद आपसे कहेंगे कि ओटीपी आया है वो भी दीजिए, और आप ओटीपी देंगे, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो दूसरे अकाउंट में भेज लेंगे, उसके बाद आप पछतावा करते रह जाएंगे। इसलिए उससे पहले ही आप लोग अपनी सेफ्टी बनाए रखिए, ठीक है?